मुंबई से सटे पालघर में लगातार बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया है। वसई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस सड़क को देखिए किस प्रकार से सड़क पर पानी भरा हुआ है। सड़क के किनारे का जो मार्किंग है, आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि कम से कम 2 से 2.5 फुट पानी सड़क के किनारे तक भरा हुआ है। इसकी वजह से यातायात प्रभावित हो रही है। आने जाने वाली जो वाहन है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़े वाहनों को तो दिक्कतें कम हो रही है, लेकिन दो पहिया चालक हो या रिक्शा चालक हो, उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर पालघर जिले के वसई की है, जहां पर लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भर गया है। मुख्य सड़क की आप तस्वीर देख रहे हैं, और सड़क पर पानी भर जाने की वजह से जो डिवाइडर के पास का हिस्सा है उसका ही इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि किनारे ज्यादा पानी भरा हुआ है और इसी वजह से बहुत सारे वाहन बंद पड़ जा रहे हैं। तो ये तस्वीर है पालघर जिले के वसई की, जहां पर लगातार तेज मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है, और लगातार बारिश हो रही है इसीलिए पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। और यही तस्वीर नाला सुपारा और वसई इलाके में देखने को मिल रही है। फिलहाल एहतियातन कुछ जगहों की बिजली काट दी गई है सुरक्षा के लिहाज से, साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं कि वो जो डिवाइडर है उसका उपयोग करते हुए अपनी गाड़ियों को लेकर आगे बढ़े। साथ ही साथ स्कूलों के खास करके जो प्राथमिक स्कूल हैं उनको छुट्टियां कर दी गई हैं। सरकार ने, प्रशासन ने यह भी अपील की है कि यदि आवश्यकता ना हो तो लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, विशेषकर बच्चे और महिलाएं घरों से बाहर ना निकलें। साथ ही साथ पूरे इलाके में रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि अगले 24 घंटे तक तेज से तेज यानी मूसलाधार बारिश इस इलाके में हो सकती है। मुंबई के अलावा मुंबई, रायगढ़, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई, इन इलाकों में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है और अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, वसई।